इसलिए चुनाव आयोग से हमारी अपील होगी कि अगर वर्चुअल रैली या इस तरह के फैसले ले रही है तो जिन पॉलिटिकल पार्टी इतना स्ट्रॉन्ग। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार यानी कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एसपी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी की सरकार बनेगी तो एक बार फिर एसपी अपने नौजवानों को लैपटॉप देगी। यूपी के डीजीपी की पावर ही खत्म हो गई है। बीजेपी पर कई आरोप लगाते उन्होंने कहा कि सरकार पैसे से दुरुपयोग कर रही है, हमारे आपके पैसे का उपयोग कर अपना प्रमोशन कर रही है। उन्होंने यूपी के सीएम को झूठा तक कह डाला। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को ये तक कह डाला, बाबा मुख्यमंत्री को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब, एक सैनिक स्कूल नहीं दिया, अच्छा हुआ मैनपुरी स्कूल का नाम बदल कर CDS विपिन रावत जी को हमारे बनाए स्कूल में सम्मान तो मिला। देखिए इस रिपोर्ट में उसमें हम ये बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कुछ फंड्स दे पॉलिटिकल पार्टीज को जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, क्योंकि बीजेपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मुकाबला नहीं कर सकते। बीजेपी के पास वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपसे नहीं है, वो आपके और हमारे चर्चा में है कि सबसे ज्यादा फंडिंग अगर करना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में कर सकते। तो चुनाव आयोग से हम ही पॉलिटिकल पार्टीज का ये अपील होगी कि अगर कोई ऐसा कर सके सरकार से फंड दें हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप को, हम कम से कम इक्वल प्लेटफॉर्म को लिखित क्या ये प्रेस कह दिया, ये लिखित हो गया अब आपके जमाने में लिखित मांगते हो। इसलिए चुनाव आयोग से हमारी अपील होगी कि अगर वर्चुअल रैली या इस तरह के फैसले ले रही है तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।